हेलो एवरीवन, आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूसा काउंसलिंग के बारे में। 2021 में जो आपका काउंसलिंग होने वाला है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए आपको जूसा में काउंसलिंग करना पड़ेगा। अब जूसा क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एडमिशन किस तरह से होगा। तो देखो, जेई मेन, जेई एडवांस एग्जामिनेशन देने के बाद आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं होता है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन के लिए आपको जूसा में काउंसलिंग करना जरूरी है। तो इसके बारे में समझेंगे, जूसा क्या है, इनके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग। वैसे आप लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा। जूसा है आपका जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, और ये आपको एक तरह से कह सकते हो कि जो एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और जो एडवांस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, आईआईटीज एनआईटीज के मीडिएटर है। यानी कि इसके थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है आपके एनआईटीज, आईआईटीज, जीएफटीआईज में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। यहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट jusa.nic.in है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको उसमें रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, साथ में आपको चॉइस फिल करना है कि आपको कौन सा एनआईटी चाहिए, उसमें कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा आईआईटी चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए। तो आपके रैंक के हिसाब से वहाँ पे सीट अलॉटमेंट किया है। तो ये सिंपल सा काम है जूसा का। जूसा आपको एडमिशन प्रोवाइड करता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और आईआईटीज में। जो भी बच्चे का रैंक अच्छा होता है, अच्छा मीन्स अगर उनका परसेंटाइल अच्छा है, रैंक अच्छा है, अंडर 1 लाख है या 50,000 है, तो उनको सीट मिलने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव क्वालिफाइड जेई मेन और जेई एडवांस टू पार्टिसिपेट इन जूसा 2021। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो, इससे पहले क्या था ना, कोविड से पहले आपको एक एलिजिबिलिटी पार करनी पड़ती थी, मीट करना पड़ता था एलिजिबिलिटी। लेकिन इस साल 2020 और 2021 में कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो सारे बच्चे जूसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चों को सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनका भी रैंक अच्छा होगा उनको सीट दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है आईआईटीज एनआईटीज गवर्नमेंट की गवर्नमेंट फंडेड है, तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो जिनका रैंक अच्छा होगा उनको सीट मिल जाएगा। जूसा अपना काउंसलिंग कराने से पहले 2 राउंड का मॉक अलॉटमेंट भी करवाता है। मॉक अलॉटमेंट वो होता है जो आपका जो ओरिजिनल काउंसलिंग होता है उससे पहले आपको एक मॉक अलॉटमेंट हो जाता है, जिसमें आपको पता चलता है जो आपने चॉइस फिल किया है उसके आधार पर आपको सीट अलॉट होगा कि नहीं। उसके बाद भी आप अपना जो सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस है, जो चॉइस फिल किया हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली एक कह सकते हो कि आपका प्री जूसा में काउंसलिंग है, जिसके थ्रू आपको पता चल पाएगा कि आपको सीट अलॉटमेंट होगा कि नहीं। ये रियल अलॉटमेंट नहीं होता है, ये कह सकते हो कि जो आपका मॉक अलॉटमेंट है वो है। जूसा 2020 में 6 राउंड के काउंसलिंग हुए हैं, लेकिन 2021 में भी आपका 6 राउंड का काउंसलिंग हो सकता है। इनके ऑफिशियल शेड्यूल अभी रिलीज नहीं किए गए। और जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है वो जितने भी राउंड है, जैसे 6 राउंड है, तो 6 राउंड में आपके सीट अलॉटमेंट होंगे। फर्स्ट राउंड में उन बच्चों का सीट अलॉटमेंट होगा जिनका रैंक काफ़ी अच्छा होगा। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जिनका अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में नहीं होगा उनको सेकेंड राउंड का वेट करना है, थर्ड राउंड का वेट करना है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ही होगा और चॉइस फिलिंग भी एक बार होगा। जिन कैंडिडेट्स का भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उनके मेरिट लिस्ट पे, प्रेफरेंस पे और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे, तो उनको काउंसलिंग के लिए जाना होता है। देखो, कौन सा एग्जामिनेशन देके कहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, तो जेई मेन, बी बी टेक और बी आर बी प्लानिंग के पेपर को देके आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन ले सकते हो। जेई एडवांस क्वालिफाई करके आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। जिनका भी ड्रीम है आईआईटी में पढ़ने का, उनको पहले जेई मेंस क्वालिफाई करना होगा, जेई एडवांस क्वालिफाई करना होगा, देन आईआईटीज में एडमिशन ले पाएंगे। 2020 के शेड्यूल की बात करें तो 2020 में आपका कोविड था, कोविड के कारण जो काउंसलिंग है वो उनको ऑनलाइन करना पड़ा। ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग करना था, अपने घर से बैठ के ही कंप्यूटर पे आपको सारी प्रक्रिया अपनानी थी। 2020 में आपका 6 अक्टूबर से जूसा का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। 12 तारीख को आपका पहला मॉक सीट अलॉटमेंट था, 14 तारीख को दूसरा मॉक अलॉटमेंट था। ओरिजिनल जो काउंसलिंग है वो आपका 17 अक्टूबर से सीट एलोकेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि 6 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सब चीज़ शुरू हो गया। लेकिन जो सीट अलॉटमेंट है राउंड वन का, वो 17 तारीख को स्टार्ट हुआ और टोटल 6 राउंड के काउंसलिंग हुए। और जो लास्ट सीट एलोकेशन था वो 7 नवंबर को हुआ, और जो लास्ट डे था काउंसलिंग का वो 9 नवंबर था। तो इस साल भी जब आपका जे एडवांस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कोई ऑफिशियल डेट्स के अनाउंसमेंट नहीं है। ऑफिशियल डेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको वेट करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में,
वो जल्दी इसके भी अनाउंसमेंट की जा सकती है, शेड्यूल की एंटायर प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे कोई अभी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जेई मेन एग्जामिनेशन देंगे, जेई एडवांस एग्जामिनेशन देंगे, वो इजीली अवेलेबल होंगे जोसा के काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में आगे बात करूंगा आपसे। साथ में जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें कुछ एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ है, आपको मीट करना होगा तभी आपको उसमें एडमिशन हो पाएगा। जैसे मान लो IIT दिल्ली, तो वहाँ का कट ऑफ है, कट ऑफ एक बार आप चेक कर लो, अगर आपका रैंक उसके रेंज में आता है तो आपको IIT दिल्ली मिल सकता है। और जिन कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका रैंक अच्छा नहीं होगा लेकिन जूसा में पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन रैंक आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको जो BTech के कोर्सेज में एडमिशन है वो नहीं मिल पाएगा। आप पार्टिसिपेट कर लोगे तो भी नहीं मिल पाएगा। देख सकते हो जूसा 2021 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट टोटल 111 के करीब 2020 में इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें IIT 23, फिर आपका IIIT 25, NIT 31 और GFTIs 28 है। यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो, कैटेगरी वाइज सीट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन मस्ट है, देन चॉइस फिलिंग मस्ट है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होता है, अथॉरिटीज ने जो ऑफिशियल डेट है उसी ऑफिशियल डेट के बीच में आपको ऑनलाइन सारी प्रक्रिया अपनानी होती है। फाइनल डेट से पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेना होता है और वहाँ पर जाके लॉक कर देना होता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्या प्रक्रिया, तो एक बार बता दूं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनानी होगी। josa.nic.in ऑफिशियल लिंक है, लिंक वहाँ पे रहेगा, आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है। इंटर जेई मेन रोल नंबर एंड पासवर्ड टू रजिस्टर, रोल नंबर जेई मेन का रोल नंबर और पासवर्ड आपको रखना है अपने पास, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके थ्रू ही आप रजिस्टर कर पाओगे। जेई एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपने जेई एडवांस के रोल नंबर और पासवर्ड को वहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा वहाँ पे अपना नेशनलिटी, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, जेंडर और जो डिटेल्स है वो वहाँ पे डाल देंगे। फिर अपना एक बार रिव्यू देख लेंगे, उसके बाद रिकन्फर्म करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे डाला है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, तो अपना इंफॉर्मेशन करेक्टली वहाँ पे सब कुछ डालना। स्टेप टू में आपको इन सभी चीज़ों को करने के बाद, जो सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा NIT चाहिए या IIT चाहिए वो सेलेक्ट करना है, उसमें कौन सा ब्रांच चाहिए वो सेलेक्ट करना है। तो जो भी कैंडिडेट्स जेई मेन क्वालिफाई किए वो NITs, IIITs और GFTIs के लिए एलिजिबल होंगे, जो जेई एडवांस क्वालिफाई किए हैं वो IITs के लिए भी एलिजिबल होंगे। सेलेक्शन एंड कोर्सेज आपको पता है, अपने हिसाब से आपको प्रेफर करना है। इसके अलावा चॉइस को लॉक करना है, चॉइस को लॉक कर देना है, चॉइस को सेव करना है, लॉक कर लेना है। लास्ट डेट से पहले आपको सारी प्रक्रिया अपनाने लिए, अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो फाइनल डेट में अपने आप चॉइस लॉक हो जाएगा, लेकिन सेव करना मस्ट है, सेव करना मत भूलना। उसके अलावा एक PDF भी होगा जो कि आपका जो चॉइस आपने सेलेक्ट किया उसका प्रिंट करा लेना। उसके बाद जूसा क्या करेगी, जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो आपको पब्लिश करके देगी आपके रैंक हिसाब से, आपके कोर्सेज के हिसाब से, आपको कौन सा NITs और कौन सा कोर्सेज, वो जूसा जानेगी कि आपके रैंक के हिसाब से क्या आपको बेस्ट मिल सकता है। तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी एंड डेफिनेशन, कौन कौन से कैटेगरीज हैं अलग अलग, उनके सब कैटेगरीज वो भी यहाँ पे देख सकते हो। देखो बहुत बच्चे पूछेंगे मॉक अलॉटमेंट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक तरह से क्या करते हो कि एग्जाम्पल है, प्री काउंसलिंग है, उसमें आपको पता चलता है कि आपको सीट मिल पाएगा कि नहीं। इसके अलावा दूसरा काउंसलिंग के बारे में डिटेल में आपको शेयर किया है सारी बातें, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। जूसा सीट एलोकेशन 6 राउंड में होंगे, जिन बच्चों का भी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उनको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना है, सीट एक्सेप्ट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और जिनका सीट अलॉटमेंट नहीं होगा उनको फर्दर नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना होगा। आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, आप अपना जेई मेन का रोल नंबर और पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हो, वहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का लिंक हो वहाँ पे क्लिक करना, एप्लीकेशन नंबर या फिर रोल नंबर पासवर्ड से डाल के लॉग इन कर लेना, देन उसके बाद रिजल्ट आप देख सकते हो, और आपको डाउनलोड कर लेना अपना सीट अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे या फिर सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया अपनाओगे, तो वहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी भी देना है, आपको अपना सीट कंफर्म करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी देना है, देना आप प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ ऑप्शन होंगे, फ्लोटिंग, फ्रीजिंग, स्लाइडिंग, तो ये ऑप्शन आपको चूज करने हैं। इस ऑप्शन के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। फ्रीजिंग का मतलब ये है कि आप उस सीट को कंफर्म कर रहे हो, और फ्लोटिंग का मतलब वो है कि आप अपने सीट को अपग्रेड कर रहे हो, और स्लाइड का मतलब ये है कि द कैंडिडेट हु चूज द ऑप्शन विल कंफर्म देयर अलॉटमेंट बट
विल ऑल्सो ओपन एडमिशन इन टू हायर प्रिफर कोर्सेज इन द सेम इंस्टीट्यूट। अब स्लाइडिंग का मतलब है कि जैसे मान लो आपको एनआईटी दिल्ली मिला, तो उसमें आपको मैकेनिकल मिला और आप और अच्छा ब्रांच चाहते हो, सीएस चाहते हो, तो आप स्लाइडिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है जो आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है वेरिफिकेशन सेंटर पे, जो भी वेरिफिकेशन सेंटर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी आपके एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज हैं। 2020 में क्या हुआ था ना कि सब कुछ आपको ऑनलाइन करना था, आपको कोई भी रिपोर्टिंग सेंटर पे विजिट नहीं करना था। जो भी बच्चे हैं वो अपने कंप्यूटर से उनको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है पीडीएफ के तौर पे उनको अपलोड करना था। 2021 में भी आपका सेम यही हो सकता है, कोई भी आपको रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट पर जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो ये कंप्लीट डिटेल था जोसा से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये देख सकते हो ये इनका डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रेडी रखना है जोसा के काउंसलिंग के वक्त। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। सीट एक्सेप्टेंस भी 35,000 था 2020 में, 35,000 फॉर जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल, और 15,000 था एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट्स। अब देखो ये जो फीस है ना आपका, इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके जब कॉलेज में एडमिशन होंगे, तो वहाँ के फीस के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सीट एक्सेप्टेंस के लिए आपको फी देना जरूरी होता है। तो ये कंप्लीट डिटेल था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के साथ। यहाँ पे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लवासोपन। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।